पहले मैं जाती हूँ, वो टोकन बाय करती हूँ। कार अंदर जाने लगी है, अब मेरा टर्न है। कैसे पानी के वो आ रहा है ना बाहर, पूरा सोप डालते हुए जा रहा है। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर का, पूरा बंद कर दिया। ये कौन करता है ड्राइव थ्रू पे, आप खा भी रहे हो हमारे सामने, एक हाथ से खा रहे हो एक हाथ से हमें कॉफी दे रहे हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। वेल अभी इवनिंग हो रही है और मैं थोड़ा घर से बाहर निकली हूँ। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप लोगों को दिखाऊं कि मैं अपनी कार वॉश करवाने जा रही हूँ एक्चुअली। सो कैसे यहाँ पर कार वॉश होती है, जब आपको मैनुअली ना करवानी हो तो ऑटोमेटिक में कैसे कार वॉश होती है। सो मैं आप लोगों को आज दिखाने लगी हूँ एग्जैक्टली पूरा प्रोसीजर कि कैसा होता है कार वॉश का। उससे पहले मैं आपको डाउनटाउन की इवनिंग दिखाती हूँ कि यहाँ पे कितना रश रहता है। सो ये है डाउनटाउन और यहाँ पे बहुत रश रहता है इस टाइम पर, जितने भी पार्क होते हैं सारे भरे होते हैं। अभी तो थोड़ी देर पहले पता मुझे ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं इंडिया में हूँ, बिकॉज मुझे अपनी विंडो के पास काफ़ी इंडियन बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। ये है कुछ इवनिंग के बज रहे हैं, अराउंड 6-7 बज रहे हैं। मैंने पता है जब रेडी हो रही थी अपने रूम में ना, तो मुझे बहुत तेज आवाजें आ रही थी विंडो से, जैसे कि इंडियन बच्चों के ना खेलने की। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील आया ना कि जैसे मैं इंडिया में बैठी हूँ, बिल्कुल वैसा फील आया। इतना अच्छा लग रहा था ना एकदम, थोड़ी देर के लिए कहते नहीं वैसे उसमें चली गई मैं, जैसे कि इंडिया में आती थी ना इवनिंग में आवाजें। आज गैस बहुत महंगी लगी है, $1.69.9 की, बहुत ज़्यादा महंगी है। बिकॉज परसों थी $1.64 की, 5 सेंट्स बढ़ गई। ये काले बादल, ये ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल ऐसा मतलब किसी और ही जोन में चली जाती हूँ जब मैं ऐसा वेदर देखती हूँ ना। पर अभी आने लगी हूँ यहाँ पर, जो ये ऑटोमेटिक वाले होते हैं वो गैस स्टेशन के साथ ही होते हैं मोस्टली, ऐसे तो अलग से भी होते हैं लेकिन गैस स्टेशन के साथ भी होते हैं। सो आने वाली हूँ उधर, आपको दिखाती हूँ। उसके लिए पहले ना एक वो खरीदना पड़ता है, एक टिकट टाइप का खरीदना पड़ता है, टोकन सा। देखो पार्क में कितने बच्चे खेल रहे हैं, ये सही है ना यहाँ का, यहाँ का क्या, हर जगह ही पार्क में बच्चे खेलते हैं इवनिंग में। काश मैं भी बच्ची होती तो थोड़ा बहुत खेल लेती यहाँ पर। ये यहाँ की एक स्ट्रीट है, नॉत्रेदाम स्ट्रीट करके है, और यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे। तो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है ना पूरा टाइम, लेकिन अभी तो चलो फिर भी मतलब थोड़ा कम लिख रहा है, इतना रश नहीं है। बट जब वीकेंड पर आ जाओ तो यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं मिलती, इतना रश होता है यहाँ। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं यहाँ, बहुत सारे। यहाँ नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर लोगों के घर है। सो ये गैस स्टेशन है, इस पर अंदर पहले मैं जाती हूँ, वो टोकन बाय करती हूँ। ये मैंने रेगुलर कार वॉश का खरीदा है, मैं कोड है इसको डालूंगी वहाँ पे, यहाँ पर अंदर कारों के जहाँ पे जा रही है, फिर जाके कार वॉश हो। मुझसे पहले यहाँ पर एक ये कार लगी हुई है, फिर मेरी बारी है। और ये मेरे पास ये कोड है मेरा, जिसको मेरे को उसके जो यहाँ पर मशीन है ये वाली, यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। सो वेट कर रही हूँ, पहले वो वेट कर रहा है बिकॉज उसके अंदर ऑलरेडी एक कार और है जो कि वॉश हो रही है। तो यहाँ पे लाइट ग्रीन हो चुकी है एंड ये कार अंदर जाने लगी है, अब मेरा टर्न है। कैसे पानी के वो आ रहा है ना बाहर एकदम ही, अब यहाँ पर इनके लिए रेड हो जाएगा। पहले इनका गेट बंद होने देती हूँ, फिर मैं यहाँ पे एंट्री डालती हूँ। ये उनके लिए है जिनके पास कार्ड होता है, तो वो यहाँ पे कार्ड डालकर अपना कर सकते हैं। वो कार्ड्स यहाँ पर अगर टच करेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जो जिसने मंथली पास लिया होता है, कार्ड बनवाया होता है। सो मेरा ये कोड है और मुझे वहाँ पर ये कोड डालना है, 83183।
कुछ खाया? आई थिंक हो गया है, बिकॉज अब यहाँ पर ये लिख कर नहीं आ रहा है कि कोड डालो. सो ओके हो गया है, अभी वेट करना पड़ेगा यहाँ पे. यहाँ पर जब ग्रीन होगी तब मैं अंदर लेकर जाऊंगी. सो क्यूबेक में सारी चीज़ें फ्रेंच में लिखी होती हैं, एंट्री से लेके सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारे फ्रेंच में होते हैं. कुछ भी आपको यहाँ इंग्लिश में नहीं दिखेगा, बस कुछ कुछ एरियो में इंग्लिश में होता है जहाँ पर इंग्लिश लोग भी रहते हैं और फ्रेंच भी रहते हैं, तो वहाँ दोनों लैंग्वेज चलती है. और यहाँ पे एक ऊपर ही मतलब वेस्ट माउंट एक एरिया है, वहाँ पर सब कुछ इंग्लिश में होता है बिकॉज वहाँ पर मोस्टली इंग्लिश स्पीकर रहते हैं. अभी मैं अंदर जाने लग गई हूँ. अभी मैंने अपनी कार को यहाँ पर जो ये ने बना रखा है एक कि जहाँ जिस एंगल पर खड़ी करनी है वहां कर चुकी हूँ. सो अभी वो गेट बंद होने लगा है और अब स्टार्ट होने लगा है पानी, सब कुछ आएगा अभी आप देखना. अभी मजा आएगा ना. मोमेंट्स लेटर सो अब कुछ स्टार्ट तो हुआ है, शायद पानी स्टार्ट हो चुका है. सोप डल रहा है पहले, अभी इधर से आएगा. ये जो मशीन बना रखी है इन्होंने, ये देखिए ऐसे पूरा सोप डालते हुए जा रहा है. अभी कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर का, पूरा बंद कर दिया इसने. थोड़ा स्लो सा लग रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, क्योंकि बिकॉज मैं दूसरे में गई थी वो थोड़ा फास्ट फास्ट चलता था. ये तो अभी सोप डाल के अब शायद पानी का वो आएगा सारा. और ये मैं अभी बंद सी हूँ इस जगह पे, वो भी गेट बंद है, पीछे भी गेट बंद है और पूरी कार ढकी है सोप से. अब पानी डालना स्टार्ट हुआ है. आई थिंक एक और सोप की लेयर स्टार्ट हुई है, यहाँ से आएगी. मैं सी में आपको दिखाती हूँ. ये आई थिंक सेकंड टाइम ना सोप डाल रहे हैं. अब पता नहीं पानी डलेगा या ब्रश आएगा. वो एक होता नहीं इनका एक काइंड ऑफ होता है, वो चारों तरफ से एक बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है वो क्लीन करता है. ये पानी डल रहा है, अब स्टार्ट हो चुका है पानी. कितने प्रेशर में डल रहा है ना. अभी इधर से जब आएगा तब आपको पता चलेगा कितना प्रेशर है. आ गया इतने प्रेशर पे पानी. सो ये प्रेशर पे पूरा इनने पानी डाल दिया है. ये ऊपर जो दिख रहा है वहां से पानी का दिख रहे हैं, पता चल रहा है कि पानी ऊपर से आ रहे थे वहां पर मशीन में. अभी इधर से भी पानी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, चारों तरफ से. एक इंटरेस्टिंग सा ही है यहाँ पर. किसी से कार वॉश नहीं करवानी, अपने आप आओ कार वॉश हो जाती है. आई थिंक इंडिया में भी होगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है खास, लेकिन शायद. अच्छा अभी ये वाली लाइट जल गई है, मतलब कि पीछे वाले के लिए है कि वो अभी आने ही वाला है अंदर, मतलब खत्म होने वाला है ये प्रोसेस पूरा. अब ये फिर से इधर आ गया है मशीन. आई थिंक अब ये सुखाने वाला आएगा और दैट्स इट. यस ये सुखाने वाला ही है और अब ग्रीन लाइट हो चुकी है, मतलब दैट्स इट, इतना ही है. पहले से सुखा लूं ढंग से. बस अब निकलने का टाइम हो.
हो गई है कार वॉश, एकदम अच्छे से हो गई है वॉश। अरे यहाँ से लगता है इसका पेंट ही चला गया, ये क्या हुआ पता नहीं। इसको मैं क्लीन करके देखने लगी हूँ। हाँ ये क्लीन करने वाला था, मतलब कि ऑटोमेटिक में ढंग से उतनी क्लीन भी नहीं होती। अब क्लीन हो गई बिल्कुल एकदम, टिश्यू पेपर से करी। सो ये कार वैसे अच्छी क्लीन हुई है, मतलब ठीक है, $12 में हुई है क्लीन, अच्छी क्लीन हो गई वैसे तो। बस कुछ चीज़ें हैं जो हाथ से क्लीन करनी पड़ती हैं, तो ठीक है, मतलब उतनी भी अच्छा नहीं है कि हाँ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लीन होती हो जैसे हाथ से होती है, लेकिन ओवरऑल ओके है। मैं जाने लगी थी कॉफ़ी पीने के लिए और यहाँ पर अभी ट्रेन निकलने लगी है, बट ये ट्रेन ज़्यादा टाइम नहीं लेती क्योंकि ये पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन जो मालगाड़ी होती है ना ये इतनी छोटी सी थी, देखो अगर मालगाड़ी होती ना तो इतना टाइम लेती ना, इतना टाइम। अब ये खुल जाएगा गेट, खुल गया, ये तो एक या दो मिनट लेती है, लेकिन अगर मालगाड़ी हो तो आप 15 से 20 मिनट ऐसे ही खड़े रहोगे। अभी मैं कुछ ना ऑर्डर करने वाली हूँ, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं इनके पास। हेलो, कोई रिस्पांस नहीं आया। यस हाय, यस हाय, गिव मी वन स्मॉल ट्रिपल ट्रिपल। या डू यू हैव डबल चीज ग्रिल सैंडविच? Do you have grilled cheese sandwich? Yeah. Okay, make it one double cheese grilled sandwich. Yeah. That's it. Thank you. ये Tim Hortons है जो Saint Jack पे है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। Tim Hortons है, ये drive through है इसलिए मैं आ जाती हूँ usually। यहाँ पर जो जब जैसे कि Saturday Sunday हो या फिर कभी evening में एक नाइजीरियन बोल सकते हैं या अफ्रीकन, आई डोंट नो, लाइक आप लोग समझ ही जाओगे मैं कहने का मतलब क्या है, कि वो नेशनैलिटी की एक लड़की है। सो इतनी रूड है ना वो, इतनी रूड, मतलब जब मैंने ऑर्डर किया उसके बाद मैं बोल रही हूँ थैंक यू, आगे से कोई रिस्पांस नहीं है, ओके कम टू द डोर, नथिंग, कुछ भी नहीं। और जब मैं ऑर्डर दे के मतलब चुकी हूँ, मेरे सामने खाई जा रही है जीप से, हाथों से, और उसी हाथों पे से उसने कॉफ़ी बना के दी, इतना गंदा लगा ना मुझे, इतना गंदा। मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी बट फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या ना वो फालतू का वो करेगी, प्रॉब्लम करेगी कि क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। बट ये कौन करता है ड्राइव थ्रू पे, आप खा भी रहे हो हमारे सामने, एक हाथ से खा रहे हो एक हाथ से हमें कॉफ़ी दे रहे हो। लास्ट टाइम भी ये बहुत ज़्यादा रूड थी, हमेशा ना ये रूड रहती है, जीप से ही अपने नेचर में रहती है ना कुछ। ये टिम मुझे सिर्फ तब यहाँ आना अच्छा लगता है जब यहाँ पर जैसे इनको ऑर्डर करूँ ना पता चल जाता है कि कोई यहाँ का कोई लोकल है, लड़की या लड़का, वो ऑर्डर ले रहे हैं या फिर अपने इंडियंस ले रहे हैं, तो समझ आ जाता है कि चलो ठीक है। बट अगर जब ये होते हैं ना नाइजीरियन, जो मतलब मैं ऐसे नहीं कहती कि ये ख़राब है या कुछ भी है, बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, बहुत जगहों पर बहुत अच्छे हैं, बट स्पेशली इस Tim Hortons में जो सेंट जैक पे है इसमें तो इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा रूड। अभी ना बाहर बारिश स्टार्ट हो चुकी है हल्की हल्की, और कल पूरे दिन बारिश होनी है ऐसा दिखाया वेदर में। सो ठीक है, बस अभी देखती हूँ कुछ खाने को बनाने के लिए। वैसे तो मैं यूजली दाल ही खाती हूँ, तो मैं दाल ही बनाऊँगी और बहुत जल्दी ईजीली बन भी जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता दाल बनाने में। एंड कल सुबह फिर से काम पर जाना होगा, सो अभी इस ब्लॉग की एंडिंग करने लगे हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड बाय बाय फॉर नाउ।